फर्स्ट डे है। मेरे सभी चिकित्सक मित्र, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे सभी साथीगण, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा बहनें, उपस्थित बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, डॉक्टर्स डे पर आज मैं सबसे पहले डॉक्टर, जिन्हें दुनिया का भगवान कहा जाता है, जो हर बीमार का इलाज करते हैं, दिनों रात व्यस्त रहते हैं और जिनके कारण ही आज देश सहित मध्य प्रदेश में कोरोना को हमने नियंत्रित किया, उन सभी डॉक्टर मित्रों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और कोरोना काल में तुमने सेवा का एक नया इतिहास रचा है। अब डॉक्टर्स की कहानी अगर आप पढ़ें तो कई डॉक्टर्स मित्र हमारे ऐसे जिनमें भोपाल के मित्र भी शामिल हैं, दिन रात लगातार कोरोना संक्रमण से प्रभावित हमारे बहन और भाई की सेवा में लगे रहे। कई तो ऐसे थे कि जिन्होंने गाड़ी को ही अपना घर बना लिया, रात को सोना भी भाई, परिवार से मिलने नहीं गए। घर में लाड़ली लक्ष्मी आई, बिटिया का जन्म हुआ तो 15 दिन तक उसका चेहरा भी देखने नहीं जा पाए। आज मैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से ऐसे सारे चिकित्सक मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और केवल डॉक्टर्स मित्र नहीं, हमारी नर्स बहनें, वार्ड बॉय, अंदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने वाले हमारे कई स्वास्थ्य कर्मी, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, हमारी आशा बहनें, इनने भी दिनों रात सेवा की है, सेवा का एक नया इतिहास रचा है। अगर ये ना होते, यानी वह सेवा और समर्पण की भावना ना होती, तो कोरोना महामारी महाविनाश की तरफ हमें ले जाती। मैं केवल यहां बैठे बहनों भाइयों का नहीं, पूरे प्रदेश के ऐसे कोरोना वॉरियर्स का, पुलिस के मित्र हमारे मोर्चों पर डटे रहे, संक्रमित हो गए, और हमारे 2 पुलिस के अधिकारी तो इंदौर उज्जैन में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया, वो दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते खुद चले गए। डॉक्टर संक्रमित हुए, रेवेन्यू के कर्मचारी अधिकारी संक्रमित हुए, लेकिन वो कोरोना वॉरियर्स योद्धा जिनके कारण आज हम यहां हैं, मैं एक बार फिर श्रद्धा से उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। क्योंकि एक अजीब बीमारी, बाकी बीमारियों में तो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ये तो छूने से फैलती है। पास मत चले जाना, 2 गज की दूरी मुंह पर बांधे रहे। हमारे सेरा भाई बैठे हैं, बुरहानपुर के लोकप्रिय विधायक है सुरेंद्र सिंह सेरा। बुरहानपुर में भयानक फैल गया था, यहां तक कि सेवा के काम में जो स्वयंसेवी संस्थाएं लगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी गजब कर दिया। भोजन वितरण से लेके, राशन वितरण से लेके, बाहर से आ रहे मजदूरों के काफले जब आए पैदल चल पड़े थे, उनको भोजन, पानी, नाश्ता, जूते पहनाने का काम,
शासन ने प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था की, अनेक स्वयंसेवी संगठन समाज से भी लगे रहे। मैं आज उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं, उनको भी नमन करता हूं। एक सहयोग की अद्भुत भावना का प्रकटीकरण इस समय हुआ और जनता भी जिसने कई कष्ट सहे, अनेकों कष्ट सहे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज वैश्विक लीडर हैं। वो कोरोना से लड़ने की नई राह दुनिया को दिखाई। जब उन्होंने आह्वान किया कि थाली शंख झालर बजाओ, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो, तो पूरा देश थाली शंख झालर बजाने में लग गया। पीछे जनता कर्फ्यू तो पूरा कर्फ्यू, और लॉकडाउन में हमने कष्ट सहे, कठिनाई सही, लेकिन ये प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व था कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कोरोना को यहां कंट्रोल करने में हिंदुस्तान में सफल हुए। चाहे आप संक्रमितों की संख्या देखें, आप मृत्यु दर देखें, आप इलाज की व्यवस्था देखें, हर पैमाने पर भारत बाकी देशों से बेहतर है। और अब क्या हालत थी कि ट्रंप साहब जैसे लोग मोदी जी को निवेदन कर रहे थे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भेज दो मोदी जी, और उसकी आपूर्ति भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी पूरे देश ने। अभी ऐसी बता रहे थे मध्यप्रदेश में, अब हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं तो 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद सीधा वल्लभ भवन गया, क्योंकि बीमारी की गंभीरता और उससे आने वाले खतरों का मुझे एहसास था। तब तक सिस्टम बंद नहीं बना था, व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हुई थी, टेस्टिंग लैब केवल एक थी, फैजियां बैठे हुए, एक लैब केवल टेस्ट करने की, जिसमें केवल 60 टेस्ट हो सकते थे, और तब तक कोरोना बुरी तरह फैल चुका था। इंदौर की बस्तियां संक्रमित हो गई थी, भोपाल में तो स्वास्थ्य विभाग ही पूरा बीमार हो गया था हमारा। डायरेक्टरेट के अधिकारी कर्मचारी, यहां तक कि पीएस भी संक्रमित हो गई थी उस समय की। अब ऐसी भयानक परिस्थितियों से लड़के जूझ के हमको कोरोना को कंट्रोल करना था। मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं, वल्लभ भवन से लेके आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक जो जमीन पर काम करती है, पूरे समर्पण की भावना से जनता के सहयोग से लड़ाई लड़ी, और आज हम संक्रमितों की संख्या के मामले में देश में बड़े राज्य में 12वें नंबर पर है। हम पहले चौथे पे थे। हमारे यहां संक्रमित होने की दर लगातार घटती जा रही है, रिकवरी रेट हमारा 77% है, मतलब 77% लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। एक्टिव केस हमने नियंत्रित कर रखे हैं, और व्यवस्थाएं अपनी नीचे तक मजबूत बनाने का हमने प्रयास किया है। अब जिलों में भी कम से कम 10 बिस्तर का आईसीयू, 10 बिस्तर आईसीयू के हमारे तैयार है। नीचे तक मजबूत ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है। प्राइवेट अस्पतालों का भी सहयोग लिया है, और यह सब हुआ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण। समय पर उन्हें चेताया, जगाया, राह दिखाई, और हम उस पर चल पड़े। आज इंदौर हो, भोपाल हो, हम बहुत बेहतर स्थिति है। भोपाल में भी व्यापक अभियान चला है, घर घर सर्वे हुआ है, जिसका प्रेजेंटेशन आपको दिया गया है।
मुरैना के बहनों और भाइयों से यहीं से निवेदन करना चाहता हूं कि सावधानी में ही सुरक्षा है, कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाइए, अत्यावश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। धौलपुर तरफ से आने वाले रास्ते में भी जो लोग आ रहे हैं हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और संक्रमण को ही रोकने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन आज मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, खतरा टला नहीं है। दुनिया के कई में लौट लौट के आ रहा है कोरोना, एक बार संक्रमण नियंत्रित कर लिया, पता चला दोबारा फिर संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी, और वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, बाकी पश्चिम के देश वो सब शामिल है जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, वो हम सब पीछे रह गए। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कल फिर अपील की है, मैं भी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मेरे 7.5 करोड़ बहनों और भाइयों, पूरी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। असावधान अगर रहे तो कोरोना हमें खा जाएगा, और सावधान अगर रहे तो कोरोना को हम मार डालेंगे। कोरोना मारना है, कोरोना को पूरी तरह से भगाना है, कोरोना को जड़ों से साफ करना है। और आज से मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है किल कोरोना अभियान, कोरोना को मार डालो। और सब भोपाल ने तो पहले से ही, 2 दिन पहले से ही व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग कर ली। पूरे मध्य प्रदेश में 1 से 15 तारीख तक, ये कम ज्यादा हो सकती है, छोटा जिला तो हो सकता है जल्दी नहीं पड़ जाए, बड़ा तो हो सकता है 15 के आना पड़े। द्वार द्वार हमारी टीमें आएंगी, हजारों टीमें बनाई गई है। हम हर गांव हर शहर के द्वार को खटखटाएंगे और वहां स्क्रीनिंग करेंगे। 800 मीटर फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर कितना है, कई बुखार तो नहीं है, सर्दी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, लक्षण आए उसके पहले, लक्षण आए और लोग अस्पताल जाए उसके पहले हम घर पहुंचेंगे और घर देखेंगे कि सर्दी जुकाम वाला तो नहीं है, किसी को फीवर तो नहीं है। फीवर क्लिनिक भी हमने इसलिए खोले, अस्पताल में आने की जरूरत ना पड़े, फीवर क्लिनिक में जाए और जो छोटी मोटी कठिनाई और परेशानी है तो फीवर क्लिनिक में चेकअप हो जाए और वहीं पता चल जाए कि तकलीफ क्या है। अगर सैंपल लेना है, टेस्ट करना है तो टेस्ट के लिए भेज देंगे, और नहीं तो सलाह दे कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, घर चले जाएंगे, घर घर हमारी टीमें जाएंगी, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी स्थानीय टीमें, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने घर घर जाएंगे, कोविड मित्र इनका साथ देंगे। मैं पूरे प्रदेश में आह्वान करना चाहता हूं समाज से भी, स्वयं से भी, संगठनों को, कार्यकर्ताओं को, कोविड मित्र के रूप में अपने आप को दर्ज कराएं। हम उनको ऑक्सीमीटर से लैस करेंगे और वो भी ऑक्सीजन का लेवल देख सकेंगे। ये लड़ाई केवल सरकार और प्रशासन की नहीं है, कोरोना से लड़ाई जनता के सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। तो बहनों और भाइयों, किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आइए, प्रशासन के साथ, शासन के साथ, गांव गांव, शहर शहर, शहर का हर मोहल्ला या गली, वहां से लोग निकले कि अपने कोरोना नहीं रहने देंगे। व्यापक पैमाने पर शायद नहीं चला होगा, हमारी कोशिश से हर घर कवर करेंगे, हर गांव में कोरोना ढूंढेंगे
लक्षण मिल जाए तो तुरंत इलाज। आज से अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश से, प्रदेश की जनता से, मेरे बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से, 15 दिन इस अभियान के लिए दीजिए। गांव से नौजवान निकले, समाज से भी निकले, शहरों से निकले, शहरों के मोहल्लों में निकले और मिलकर हम तय करें कि सर्वे का काम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ करेंगे। और केवल जरूरी है। मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, इस अभियान में भरपूर सहयोग करें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी। लेकिन हम लोग एक दूसरे को प्रेम करने वाले लोग हैं, और एक मिला नहीं कि हाथ मिलाने दौड़ पाए। अब ऐसे मैं भी सावधान होने की कोशिश, रहने की कोशिश करता हूं, कहीं निकल गया तो मामा कह के हाथ पकड़ ही लेते हैं, कहां तक भगेगा। अभी आज के लिए खतरनाक है, हाथ मिलाना, गले लगाना, दिलों में दूरियां ना हो लेकिन शरीर की दूरी रखनी पड़ेगी। अभी हमारा स्वभाव है, मिले तो उत्साहित होते हैं, मित्र हैं, साथी हैं, लेकिन इस समय नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने आप पर। उन्हें 2 गज की दूरी। मैं फिर प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई होंगी क्योंकि उनके बिना दुनिया चल नहीं सकती, रोजी रोटी का भी प्रबंध आगे करना है। इसलिए लॉकडाउन अनिश्चितकाल के लिए नहीं रह सकता, अनलॉक की स्थिति में हमें आना पड़ा। अब अनलॉक हुआ तो कई लोग टूट पड़े, मिलना जुलना, भीड़ भाड़, बाजारों की भीड़, ये खतरनाक साबित हो सकती है। आप देखें मुंबई में, दिल्ली में कैसी स्थिति है। हम अपने प्रदेश को वैसा नहीं बनने दे सकते। मैं उनको दोष नहीं दे रहा, वो भी हमारे हैं, भारत मां के लाल हैं हम सब। कहीं जरा सावधानी तो फैलेगा, और फैलेगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और जो 2 गज की दूरी, चेहरे पर फेस कवर, मास्क जरूरी, उसके बिना ना निकले। और बार बार हाथ धोना, ये मूल मंत्र है। सैनिटाइजर से हाथ साफ करना सैनिटाइजर से भी ज्यादा उपयोगी है साबुन से हाथ धोना। और हाथ भी ऐसे नहीं कैसे ऐसा किया, और जैसी अपनी आदत कई बार होती भारतीयों की, ढंग से धोना हाथ। ये उपाय अगर हमने किया तो कोरोना हमें पकड़ नहीं पाएगा। फिर कई बार आजकल पान की खपत तो वैसे कम हो गई होगी, नहीं भोपाल में किसी बिल्डिंग में चलो तो जो कोना रहता है उसमें टिच्ची वही हो जाती है, लाल कोने मिलते हैं सारे के सारे, जा चाह वही थूक दिया। अभी आदतें खतरनाक हो सकती है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ साफ और दूसरी तरफ ये सर्वे, स्क्रीनिंग, ये किल कोरोना अभियान, ये दोनों में हमने ठीक से चलाया तो कोरोना को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, प्रदेश के बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये किल कोरोना अभियान है, इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए, 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों का साथ चाहिए। उपाय भी लगातार कर रहे हैं, बार बार तो काढ़ा, अभी भूले थे काढ़ा बाढ़ा हम तो, काढ़े ने कमाल कर दिया।
इम्यूनिटी बढ़ा दी, बीमारी पकड़े उसके पहले शरीर को ऐसा बला दो कि पकड़ ही नहीं पाए। ऐसे कई नुस्खे आए, उन्होंने भी कमाल किया है। हम उन देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल करें और घर घर सर्वे के इस अभियान में, किल कोरोना अभियान में, हर मध्य प्रदेश वासी ऐसे प्रारंभ हो रहा है। मीडिया के मित्रों से भी आए कि आप भी जागरूक बनाने का जो भी प्रयास हो सकते हो के माध्यम से प्रयास कीजिए। कई जगह गीत बने, एक गीत यहां भी बनाए, वो गीत भी बजेगा, माहौल बनाने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये लड़ाई है कोरोना मानवता के खिलाफ है, हमारी जिंदगी हरने की कोशिश करता है, इसलिए हम लड़ेंगे कोरोना से। हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना। एक बार मैं फिर कोरोना योद्धाओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके कारण आज मध्यप्रदेश में हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। पूरी तरह से कोरोना को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे, ये संकल्प लेके यहां जाएं, और जो मुझे जहां सुन रहा है पूरे मध्यप्रदेश में, वही ये संकल्प ले। मेरा विश्वास प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन में, उन्होंने गरीब कल्याण पैकेज दिया, एक ने अनेकों उपाय गरीबों की जिंदगी ठीक चलती रहे इसके लिए किए। मध्य प्रदेश ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन उपायों की आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आज तो कोरोना को मारने की, कोरोना को हराने का संकल्प लेने का दिन है। 15 दिन में हम उसको समाप्त कर दें। आइए सब मिलकर साथ चले, सर्वे में, स्क्रीनिंग में मदद करें, और कोरोना को अपने घर अपने मोहल्ले समाप्त करके मध्य प्रदेश के बाहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय